हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। एंड जुम्मा मुबारक दिन का आगाज़ कुछ इस तरीके से हुआ है कि मासी आई नहीं है, मासी अपना काम कर रही है। नाउ आई हैव टू वॉश माय हिजाब, सो उसके बाद जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा काम है। एंड आज मैं बनाऊँगी दादी की रेसिपी को फॉलो करते हुए कीमा बनाऊँगी एंड देन खाऊँगी। आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। वी लोग एंड तक देखना है। हेज़र और चोची वालों के हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। हाँ सो हाँ, अब ये सीन है कि चलें किचन में मेरे साथ प्लीज़। तो सही तरीके से देखना है सफाई करते हुए। एंड ये मेरा चोचू, मेरा पालो, मेरा पुप्पू सोना शनि 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 शनि। सो अभी मैं जा रही हूँ, मासी बर्तन धो रही है एंड मासी बर्तन धो रहे तो फिर वो सफाई करेगी। उसके बाद मैं फिर नहाने जाऊँगी, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ कंटेंट बनाएंगे। ओ नहीं नहीं नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मुझे अपनी अलमारी सही करनी है। भाई इतने पी आर पैकेजेस आते हैं, मेरी अलमारी पूरी ऐसे 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 थी ना, ऐसे हो गई, उल्टी हो गई है। सो चलें मिलते हैं हम आपको सफाई के बाद। ओके सो आज जो है आज हम कीमा बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कीमा जो हम बनाएंगे वो दादी की रेसिपी के रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, आपने कीमे को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। एंड देन आपने करना ये है कि टमाटर और लहसुन अदरक और प्याज जो है वो सारी इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। इसके अंदर आप डाल दोगे सारी लहसुन प्याज एंड टमाटर, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने करना क्या है, ये सारा ये जो सारा मसाला है ये आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपने मसाला ऐड कर दिया, ओके। अब करना ये है कि इसके अंदर आधा गिलास पानी डालना है। आधा गिलास पानी डाल के आपने इसको चढ़ा देना है चूल्हे पे, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे ही पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद आपने इसके अंदर ये दो चीज़ें डालनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें डालेंगे आप फिर ये दादी की रेसिपी हो जाएगी, ठीक है। तो चलें इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं। ओके सो अब ये मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर जो है मैं दो बड़े बड़े चम्मच घी के डालूंगी, ठीक है। दो बड़े बड़े चम्मच, जब हम इस चीज़ को भूनेंगे ना देन पता लगेगा कि इसके अंदर और कितना घी डालना है या नहीं डालना। फ़िलहाल जो है मैं सिर्फ और सिर्फ दो चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। अब ये जा रहा है पानी और अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग हो गई और अब इसको हमने ढाँप देना है एंड देन इसको हमने निकालना है आफ्टर 25 मिनट्स। फिर हमने इसको भूनना है, फिर हमारा कीमा सालन बन जाएगा। अभी हम चलते हैं कहाँ पे कपड़े निकालने। इसके अंदर क्या कमी लगी है आपको? मुझे लग रहा है थोड़ा सा घी और होना चाहिए। ये दादी के स्टाइल में मैंने बनाया है, इसके अंदर मैंने कोई नए रिश्ते निकाले हैं और मुझे डाल दिया हमने बस और डाल बस। ये बहुत क्योंकि हमारे कीमा बनाया है, इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि कच्चा कच्चा घी ना लगे, फिर हम इसको खाएँगे। सो अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने एंड नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो है मैं अलमारी सही करूँगी। बताओ क्या बताओ यार, नहीं बुधा सका यार तू यही बुधाऊँ क्या? नहीं मेहंदी का रिमूवर नहीं होता, अपना हाथ दिखाओ। इसने अपने हाथ गंदे कर लिए, दिखाओ ये मेहंदी लगा के। मीरब कितनी गंदी लग रही है, पैसे उठाओ नीचे से। तो अब ये कह रही है कि कोई मेहंदी का रिमूवर होता है, तो मेहंदी का रिमूवर नहीं होता एंड जाओ चीज़ लेके आओ। ओके सो ये मुझे पीआर पैकेज आया है और इस स्किन केयर को हम यूज़ करेंगे, इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि कैसा है, देन मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। और ये मुझे आया
एम के ब्रांड से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये अभी मैं मास्क लगाऊंगी एंड देन मैं फिर क्लियर स्किन कॉम्प्लेक्शन क्रीम लगाऊंगी एंड देन अंडर आई पे ये क्रीम लगाऊंगी। सो ये मुझे बिल्कुल अभी आया है के सो अब जो है अब बारी आ गई है मेरे उस वाले क्या कहते हैं उस वाले दराज को देखने की जहाँ पे मैं चीज़ें बस फेंकती जाती हूँ बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि पहना और फिर फेंक दिया एंड देन अगेन दूसरा उठाया एंड दूसरा पहना फॉर कंटेंट। मेरे डेली बेसिस के ये कपड़े नहीं होते, ये मैं एक बार पहनती हूँ एंड देन मैं रख लेती हूँ। सो इसको मैं दिखा देती हूँ, प्लीज़ वो मत समझिएगा क्योंकि अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, मतलब लाइक इस हफ्ते मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाया जो कि स्टिल अप्रूव नहीं हुआ ब्रांड से। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा है। ओके, सो ये सारे कपड़े हैं जो कि मुझे पीआर पैकेजेस मिलते हैं एंड मैं यहाँ पे फेंकती जाती हूँ हिजाब से कूँगी और इसको इस तरीके से जल्दी से बंद कर दूँगी। सो इसको हम इस पर हमारा पूरा चाहिए सो अल्लाह हमारा पूरा व्लॉग होना चाहिए। ये अभी मतलब थोड़ा सा मैं क्लिप ऐड नहीं कर सकती, इसको सारा मैं वो निकालूंगी एंड दूसरे भी पीआर पैकेजेस एंड गिफ्ट्स में दिखा देती हूँ। ये कोने पे भी पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा और एक क्या कहते हैं किचन के काउंटर पे भी पड़े हुए हैं। बस ये है कि आप अपना ख्याल रखिएगा, कल अगेन मैं आऊँगी। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।